महासमुंद के किसान अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, जहां किसानों की मांग है कि तुम गांव के पास पावर प्लांट कंपनी बन रही है उस पर रोक लगाई जाए, वहां पर पावर प्लांट ना बनाया जाए। किसानों का कहना है कि अगर पावर प्लांट बनता है तो पर्यावरण के साथ साथ किसानों की खेती और सिंचाई बाधित होगी। आपको बता दें, पावर प्लांट के विरोध में करीब 145 दिन से महासमुंद में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले किसान अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। वहीं रायपुर आयुक्त संभाग को भी किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। नाराज किसानों का कहना है कि अगर पावर प्लांट बंद नहीं किया तो प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी को लेकर नाराज किसानों से संवाददाता चित्रा पटेल ने बातचीत की। महासमुंद के किसान आज अपनी समस्याओं को लेकर राजधानी पहुंचे हुए हैं। भैया, आप लोगों की क्या समस्या है, क्या परेशानी है, आज आप लोग रायपुर पहुंचे हो? हमन है करनी कृपा प्लांट के विरोध में। आज लगातार 5 महीने हो गए, 15 गांव के किसान हैं और 15 गांव के किसान हमन मांग रखें करनी कृपा प्लांट हमला नहीं चाहिए। करनी कृपा प्लांट बने के बाद में जो हमन किसान कुरार बांध के पानी लेथन, वो पानी लग प्लांट में दी तो हमन किसी नहीं कर सकन। लगातार हमन बात अपन कलेक्टर से लेके और जो प्लांट में आदिवासी भूमि से लेके घास प्लाट से लेके सब लहथिया है और जो आदिवासी मन के जमीन भी रजिस्ट्री करे है, लगातार हमर मन के जो धरना जारू कलेक्टर से लेके हमन रायपुर तक से हमन सफ़र करें, लेकिन हमर कोई सुनवाई नहीं करे। तो लगातार हमर 5 महीने के जो आंदोलन है, लगातार 100-150 किसान पर डे आथन और कई आंदोलन कर चुके हैं। महासमुंद में भी हमारा मतलब 2000-3000 की किसान आंदोलन वहाँ गिरे हैं। लोग 45 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, मुखिया से मांग कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों को वहाँ पर बनाने ना दिया जाए। मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज, रायपुर।